पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर वादे पूरे करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके लिए फंड की कमी सामने आ रही है। इसके लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार से 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड मांगा है, लेकिन केंद्र सरकार ने तो फंड तो दिया नहीं, लेकिन एक झटका जरूर दे दिया, जिससे आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को 85,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को कहा है। इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर मीटर नहीं लगाए गए तो केंद्र ने बिजली सुधार फंड रोकने की चेतावनी दे दी है। इससे आपके हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के दावे को झटका लगा है। पंजाब सरकार ने केंद्र को 10 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में केंद्र ने ये चेतावनी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका 15% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। केंद्र सरकार ने 2023 तक 25 करोड़ मीटर लगाने का टारगेट रखा है। पंजाब के लिहाज से ये भी मुश्किल है कि यहाँ किसानों को बिजली फ्री दी जाती है, वहीं 300 यूनिट घरों को फ्री देनी है, तो फिर प्रीपेड मीटर की योजना को कैसे अंजाम दिया जाएगा? इसमें लोगों को बिजली के लिए मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज करवाना होगा। केंद्र इसके पीछे बिजली चोरी रोकने का तर्क दे रहा है। इसमें दिलचस्प है कि अब पंजाब सरकार क्या जवाब देती है। सीएम का पद संभालते ही अब भगवंत मान वादों को पूरा करने में जुटे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब आप सरकार को 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।